तो हेलो गाइस, चेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है और बहुत पुराना खेल भी है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है ये गेम, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। छठी सदी में भारत में चतुरंग नाम के खेल का आविष्कार हुआ, जिसमें अलग अलग पीसेस थे जो अलग अलग चाल चलते थे। भारत में यह खेल बहुत लोकप्रिय हुआ और फिर यह खेल फारस में गया। बाद में यह अरब और यूरोपियन कंट्रीज में गया और इस दौरान इस खेल में बहुत सारे बदलाव करे। अलग अलग देश में इसे अपने तरीके से खेलने लगे। चाइना में गोटियों को बॉक्स के अंदर नहीं, जहाँ लाइन्स इंटरसेक्ट होती है वहाँ रखते थे, और जापान में अगर आप सामने वाली गोटी मार लेते हो तो उस गोटी को आप अपने खेल में यूज़ कर सकते हो। और यूरोप में ये खेल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और आज हम जो चेस खेलते हैं वो यूरोप से ही आया है। यूरोप में ये खेल इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर इसे एजुकेशन का हिस्सा बना दिया। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अरब में इसे शतरंज कहा जाता है और यूरोप में फारसी शब्द शाह, जिसका अर्थ है किंग, से हो गया चेस। और जब राजा हार जाता है तो वो लोग बोलते हैं शाह मात, जो यूरोप में हो गया चेकमेट। लोकप्रियता बढ़ती गई और 1851 में लंदन में पहला चेस टूर्नामेंट हुआ, जिसमें 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया और एडोल्फ एंडरसन ने ये मैच जीता। एडोल्फ एंडरसन ने अपने दोनों हाथी और एक क्वीन का सेक्रीफाइस करके ये मैच जीता था। और धीरे धीरे चेस के कई टूर्नामेंट होने लगे और कई बेस्ट प्लेयर्स हमारे सामने आने लगे। फिर चेस के ऊपर कई सारी किताब बनने लगी और इंडिया का नंबर वन प्लेयर विश्वनाथन आनंद है, जिन्होंने चेस ऑस्कर जैसे अवार्ड जीते हैं। चेस खेलने के कई फायदे हैं, जैसे हमारा ब्रेन इम्प्रूव होता है, हमारा फोकस बढ़ता है, रचनात्मक शक्ति का विकास होता है और भी बहुत सारे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अमेजिंग ऑसम और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय।